हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पार्ट 2। तो बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब कोई स्पीसीज अपने जैसे ही कार्बन कॉपी या अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करती है तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। उसके क्या फ़ायदे होते हैं, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो धरती पर क्या होगा। तो बच्चों रिप्रोडक्शन ना हो तो हम कह नहीं सकते कि हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जो सालों से चलती आ रही है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली इंश्योर करती है सर्वाइवल ऑफ स्पीशी ऑन अर्थ। तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डीएनए की इंपॉर्टेंस, कि डीएनए का क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। कि वेरिएशन, आपको मैं पहले बता दूं कि वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। कि अब आप देखते हो अपने सराउंडिंग में, आपको फॉर एग्जांपल डॉग की इतनी ज़्यादा आपको स्पीशीज देखने को मिल जाती है। डॉग एक जो मेन जीनस क्या है डॉग, लेकिन उसकी स्पीशीज क्या है बहुत ज़्यादा। आपको बुलडॉग दिखता है, आपको जर्मन शेफर्ड दिखता है, और भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको फॉर एग्जांपल पैरट भी आपको अलग अलग कलर के दिखाई दे जाते हैं। तो वो क्या है, वेरिएशन है। तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस। तो बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है वह अपने पर्टिकुलर प्लेस पर रहती है, ठीक है। और नीचेस क्या होता है, जहाँ ऐसा हैबिटेट जहाँ पर कोई इंडिविजुअल रहता है तो उस हैबिटेट को नीचेस बोलते हैं, ठीक है, इन द इकोसिस्टम। तो बच्चों नीचे वो जगह है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, फॉर एग्जांपल वो रिप्रोड्यूस करता है, जहाँ से उसे खाना खाने को मिलता है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम नीचे बोलते हैं। इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए की कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीच। तो बच्चों क्या होता है कि हाँ, आप किसी प्रजाति के बारे में, फॉर एग्जांपल कोई एक प्रजाति है जो जंगलों में रहती है, बंदरों की फॉर एग्जांपल मंकीज़ की कोई भी एक प्रजाति है जो जंगलों में रहती है, तो वो इस एरिया में पर्टिकुलर जहाँ से खाने को मिलता है, जहाँ वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो उनका क्या है, नीच है। और वहाँ पर वो क्या करते हैं, बेसिकली वहाँ पर एक डीएनए की कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। जो वहाँ पर बंदर रहते हैं उनमें वहाँ के जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, उसको सहन करने की उनमें कैपेबिलिटी होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि डीएनए क्या है, कंसिस्टेंट तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या कर रहा है, जा रहा है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। हाउएवर नीचेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे वातावरण में कुछ भी चेंज आता है तो बच्चों आप खुद देख सकते हो, तो हमारे जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या हो जाएगा, जो हमारा कंट्रोल है ऑर्गेनिज्म पर, स्पीशीज पर, वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे, टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी, और देयर कुड बी मीटियोराइट हाई हिट्स, टू थिंक ऑफ यू एग्जाम्पल। तो बच्चों कुछ भी आप अपने सराउंडिंग के बारे में सोचो, अगर हमारे सराउंडिंग में कुछ भी चेंज आता है तो बेसिकली उसका असर जीवों पर पड़ता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो वो चेंज कुछ भी हो सकता है, वो चेंज या तो टेम्परेचर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, कुछ मीटियोराइट क्या होते हैं, जो आपको उल्का पेंट्स होते हैं जो अर्थ को हिट करते हैं, अगर मान लो वही हिट कर जाए तो एक प्रजाति वैसे ही नष्ट हो जाएगी। तो इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सुटेड टू अ पर्टिकुलर नीच टू पर्टिकुलर नीच एंड इफ द नीच वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट मतलब अगर ऐसा कुछ भी संभव होता है कि मान लो मेटेराइट ही हिट हो गया है, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो एक प्रजाति वहाँ से बिल्कुल ही साफ, उसका सफाया हो जाएगा। हाउएवर इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन, अगर कोई जीव में सर्वाइवल की कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके जो अदर मेम्बर्स हैं स्पीशीज़ के, तो वह क्या करेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। तो इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन देर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। मान लो उसमें उसके डीएनए में कुछ चेंज आ गया जो क्या करता है, जो टेम्परेचर को सहन करने में मदद कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर मेम्बर्स, तो वो क्या कर जाएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके डीएनए में क्या आया, वेरिएशन आई।
तो इफ़ देर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स एंड इफ वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाई ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई बट द फ्यू वेरियंट्स रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देकर यही समझाया गया है कि मान लो कोई बैक्टीरिया है गर्म पानी में रहता है, अब मान लो ग्लोबल वार्मिंग होगी और भी टेम्परेचर हाई होगा तो जितने बैक्टीरिया वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। लेकिन जिस बैक्टीरिया में हीट को रेजिस्टेंट करने की कैपेसिटी अदर से क्या है, ज़्यादा है, मतलब उसका डीएनए और भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, वह वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। तो वेरिएशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो अगर हमारे अंदर वेरिएशन होती रहेगी तो जो नई नई प्रजातियाँ बनेंगी वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगी, जो कि टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट में आने वाले चेंजेस को क्या कर सकती हैं, बियर कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब सेक्शन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, डीएनए की इम्पोर्टेंस क्या होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और व्हाई इज़ द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। भाई वेरिएशन स्पीशीज़ के लिए कैसे बेनिफिट है, नॉट इंडिविजुअल। अगर एक इंडिविजुअल में वेरिएशन आती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक पूरी प्रजाति में वेरिएशन ना आए और वो उस जो ड्रास्टिक कंडीशन में लड़ने को, जितनी भी ड्रास्टिक कंडीशन अगर उनको फेस करनी पड़ रही है तो वो लड़ने में कामयाब नहीं होती, तो वेरिएशन आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेरिएशन आए, बेसिकली आनी चाहिए तो सभी स्पीशीज़ में आनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके और धरती पर अपना जो अपना जो प्रेजेंस है उसको बनाए रखे। ठीक है बच्चों, हाउएवर सम यूनिसेल ऑर्गेनिज्म सो समवट सॉरी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ माउल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है 8.1 एंड 8.2। तो यहाँ पर आपको पहले बताया गया है कि आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट एक्टिविटी आप क्या करते हैं, इसमें आपने एक वाटर लेना है, उसमें शुगर डाल देनी है और उसमें ईस्ट डाल देना है। तो क्या होता है, ईस्ट आपको पता है एनरोबिक रेस्पिरेशन करता है और उसमें जो सेल डिवीजन होगी वो फटाफट होगी। यहाँ पर आपने बडिंग की प्रोसेस पढ़ी है तो वहाँ पर क्या बनता है, बड बनती है। एक्टिविटी 8.2 में आप क्या करोगे कि आपने एक ब्रेड को लेना है और उसको मोइस्ट प्लेस में रख देना है। कुछ समय बाद आपको क्या दिखाई देगा, आपको उसको एक हफ्ते बाद ऑब्जर्व करना है, तो आपको उसमें क्या दिखाई देगी, फंगस दिखाई देगी। ठीक है, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ माउल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। तो यहाँ माउल्ड का मतलब ब्रेड माउल्ड है जो कि राइजोपस होता है। तो हैविंग डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस वर्क, लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस द नोड्स सॉरी द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों हमने अब रिप्रोडक्शन पढ़नी है इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हमने रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स पढ़ी हैं, सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल। तो हम इसी के अकॉर्डिंग आगे स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।